पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेंदुए की खाल की तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में दी गई जानकारी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। क्राइम ब्रांच एवं पनागर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बरामद की गई तेंदुए की खाल की तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम प्रदीप चौबे, शंकर पटेल और विश्राम सिंह है। तीनों आरोपियों के माध्यम से एक तेंदुए की खाल, दो मोबाइल, नगद 7,000 रुपए, एक ब्लोरो और एक वैन जब्त की गई है। इस संदर्भ में जबलपुर कंट्रोल रूम के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुड़ा के निर्देश में जिले भर में चल रहे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाइयों को लेकर के जानकारी दी गई। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को एक विश्वस्त सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति वाहन से वन्य जीव की खाल लेकर जबलपुर तक आ रहे हैं। इस सूचना को तस्दीक करने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के द्वारा थाना प्रभारी पनागर के सहयोग से वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की थी। उसके पश्चात क्राइम ब्रांच और थाना पनागर की पुलिस संयुक्त रूप से इनको राउंडअप करने के लिए इनकी नाकाबंदी की गई। ये जबलपुर की ओर आ रहे थे, इन्होंने बमनोदा चौराहा के पास इनको रोका। ये सूचना थी कि एक बुलेरो में है और एक वैन में है। प्रदीप चौबे नाम का व्यक्ति बुलेरो में है और शंकर पटेल नाम का व्यक्ति वैन में बैठा हुआ है। इनसे पूछताछ की गई, बात की गई, इनकी गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो उस दौरान तलाशी में प्रतीक चौबे की गाड़ी में उसके पास जहां वो बैठा हुआ था उसी के पास एक थैले में वन्य जीव तेंदुआ की खाल जो आपके सामने यहां रखा हुआ है ये उसके पास रखा होना पाया गया। तत्काल उसे जब्ती बनाई गई और उन दोनों को अभिरक्षा में लेकर, दोनों वाहनों को अभिरक्षा में लेकर थाने पहुंचकर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पर प्रतीक चौबे ने ये बात बताई कि उसने विश्राम सिंह से जो कुन्नम पर रहने वाला है उससे ये खाल, तेंदुए की खाल उसने खरीदा था। उसकी निशानदेही पर ये टीम कुन्नम गई, दोनों की ज्वाइंट टीम, क्राइम ब्रांच और नागर पुलिस की टीम। उस टीम ने विश्राम सिंह गौंड को राउंडअप किया। राउंडअप करने के बाद उससे पूछताछ की। पूछताछ में विश्राम सिंह ने ये बताया कि उसने अपनी फसल की सुरक्षा के लिए तार लगा दिए थे, तार में करंट प्रवाहित किया था, जो ज़्यादातर जो जंगली सुगर उसके खेत में फसलों को नुकसान कर रहे थे उसने तार में करंट प्रवाहित किया। इससे जब देखा दूसरे दिन तो वहाँ पर तेंदुआ मरा हुआ पाया गया। फिर उसने उस तेंदुए को वहीं पर जंगल में ही उसको काटा और उसकी खाल निकाल कर। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।